स्मार्ट प्रीमियम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिनेशन मेथड्स एंड मैकेनिज्म, परागण विधि तथा कार्य। किसी पुष्प के पराग कोषों से निकले हुए परागकणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जात की किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण की क्रिया जब उसी पुष्प में हो जाती है तो स्वपरागण, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, तथा जब एक ही जाति के दो पुष्पों के मध्य होता है तो परपरागण, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इस प्रकार के परागण के लिए वायु, जंतु, कीट, जल इत्यादि साधनों की आवश्यकता होती है। परागण का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन। पौधे अपने वंश की वृद्धि बीजों से करते हैं। बीजों के निर्माण के लिए निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, अति आवश्यक क्रिया है, क्योंकि जब तक दो नर व मादा युग्मक आपस में नहीं मिलते तब तक अगली पीढ़ी के लिए जैविक ओज प्राप्त नहीं होता। परागण में पराग कणों को किसी कर्मक द्वारा वर्तिकाग्र तक लाया जाता है। यहाँ इन पराग कणों का अंकुरण होता है और पराग नलिकाएं बनती हैं। जनन कोशिका, जो परागण में होता है, अब पराग नलिका में पहुंचकर दो नर युग्मक बनाता है जो बीजांड के मादा युग्मकों तक पहुंचाए जाते हैं, जहां निषेचन होता है। अब परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण सामान्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहते हैं, और परपरागण, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी कहते हैं। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे। इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण जो पराग कोष से निकलते हैं उसी पुष्प के जायांग पर उपस्थित वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, अतः यह क्रिया केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही हो सकती है। कभी कभी कुछ पौधों में एक ही पौधे पे उपस्थित दो पुष्पों के बीच, चाहे वे एकलिंगी हो या उभयलिंगी, परागण हो जाता है। यह क्रिया स्वपरागण के समान ही होती है, जिसे क्या कहते हैं, गीटानोगैमी कहलाता है। अब स्वपरागण के लिए उपयुक्त अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन जो है, इस अनुकूलन प्राप्त किया जाता है, इसके लिए हम देखेंगे क्लाइस्टोगैमी। कुछ पौधों में पुष्प सदैव बंद ही रहते हैं अथवा उस समय तक बंद रहते हैं जब तक कि उसमें परागण तथा निषेचन संपन्न नहीं हो जाता। ऐसे पुष्पों में क्लाइस्टोगैमी कहते हैं, ठीक है। जब पुष्प बंद ही रहता है तो उसमें केवल स्वपरागण ही संभव होता है, क्योंकि ओपन नहीं होगा तो उसमें तो स्वपरागण ही होगा। ओके, जैसे खट्टी बूढ़ी फूटी है, गुल मेहंदी है। ओके, समकाल पक्वता, जब एक ही समय पर पराग कोष तथा वर्तिकाग्र या अंडप एक समय तैयार हो जाते हैं और इस प्रकार उभयलिंगी पुष्प में स्वपरागण के अवसर बढ़ जाते हैं। ओके, भिन्नकाल पक्वता, जिसे अर्थात नर व मादा अंगों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना होते हुए भी कई बार इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि उभयलिंगी पुष्प में स्वपरागण संपन्न तथा सफल होता है, जैसे है सदाबहार, गंधराज, सूर्यमुखी, ठीक है, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी। जब एक पौधे पर उपस्थित पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण की सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं तो परागण की यह क्रिया परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। पुष्प इस क्रिया के लिए एकलिंगी या उभयलिंगी हो सकते हैं, किंतु वे अलग अलग दो पौधों पर लगे होने चाहिए। ओके, पर परागण के कर्मक तथा विधियां।
पर परागण दो पौधों पर उपस्थित पुष्पों के बीच होता है, अतः इसे संपन्न करने के लिए अर्थात परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, जिसे कारक जिन्हें कर्मक भी कहते हैं। अब पर परागण की तीन प्रमुख विधियाँ होती हैं, वायु द्वारा परागण, वायु परागण, जंतुओं द्वारा परागण, जंतु परागण, जल द्वारा परागण, जल परागण। वायु परागण की विधि तथा अनुकूलन। अनेक पौधों में परागण वायु के द्वारा होता है, वायु के साथ धूल के कणों की तरह परागकण पुष्पों में उड़ाए जाते हैं और दूसरे पुष्पों तक पहुंचते रहते हैं। इस प्रकार के परागण के लिए पुष्प उनके अवयव तथा परागण विशेष प्रकार के अनुकूलित होते हैं ताकि सफल हो सके। ओके, अब इनके लिए क्या अनुकूलन होना चाहिए, जैसे पुष्पों के अनुकूलन। वायु परागित पुष्प प्रायः आक्रामक या छोटे होते हैं, इनमें सुगंध मधु इत्यादि नहीं होते हैं। नर तथा मादा अंग अलग अलग पुष्पों में होते हैं तथा ये एकलिंगी पुष्प प्रायः अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं। नर अंगों के अनुकूलन। वायु परागित पुष्पों में पुंकेसर या पुतंत प्रायः लंबे होते हैं ताकि परागण वायु से ही पुष्प के बाहर निकाले जा सके, जैसे गेहूं, मक्का, धान, बाजरा आदि में। मादा अंगों के अनुकूलन। वायु परागित पुष्पों में मादा अंग अनेक प्रकार के से अनुकूलित होते हैं, उदाहरण के लिए वर्तिका प्रायः लंबी होती है, ये पुष्प के बाहर निकली रहती है, जैसे मक्का के में आपने देखा होगा अनेक बार वर्तिका व वर्तिका इत्यादि शाखित होते हैं। धान में, जैसे धान में घास, गन्ना, गेहूँ आदि। वायु परागण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अनेक अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि वायु परागित होते हैं। ओके, अब हम जंतु परागण के बारे में जानेंगे। जंतु परागण विधियां तथा अनुकूलन। अनेक जंतु विशेषकर कीट पर परागण के सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ये अन्य जंतुओं जैसे चिड़ियों, चमगादड़ों, घेंगों और यहाँ तक कि कुछ स्तन पोषियों के द्वारा भी पुष्पों में परपरागण संपन्न होता है। इस प्रकार परपरागण के जंतु कर्मकों के अनुसार जंतु परागण को कई प्रकार का माना जाता है। कीटों द्वारा होने वाला परागण कीट परागण, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण पक्षी परागण, चमगादड़ों द्वारा होने वाला परागण जंतु परागण, घेंगों द्वारा होने वाला गैस्ट्रोपॉड परागण। ओके, अब कीट परागण। कीट परागण कैसे होता है, जैसे कि इनके लिए भी कुछ अनुकूलन होता है। आकर्षक आकृति रंग अवयवों से अनियमित परिणाम तथा छोटे पुष्पों का बड़े समूह या पुष्पों के रूप में एकत्रित होना पुष्पों में आकर्षण तथा दिखावटीपन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ओके, और मकरंद, सुगंध, खाद्य पदार्थ, जैसे कुछ पौधों का पराग कुछ कीटों या खाद्य होता है, था ऐसे कीट इन परागकणों को खाने के लिए इन पुष्पों पर निरीक्षण करते हैं। ऐसा करने के प्रयास में कुछ परागकण उनके शरीर के विभिन्न भागों से चिपक के रह जाते हैं और दूसरे पुष्प में पहुंचने के समय उनके शरीर से परागकण वर्तिकाग्रों तक पहुँच जाते हैं। ओके, कुछ पुष्पों जैसे आर्किडस में पुष्प में ये मधु के स्थान पर एक खाद्य रस स्थापित होता है, इनमें मकरंद ग्रंथियाँ नहीं होती। सुरक्षा कुछ कीट पुष्पों में अथवा पुष्पों में बैठकर अपनी सुरक्षा धूप, वर्षा, सर्दी आदि से करते हैं, तो कुछ अपने अंडे देने के लिए पुष्प या पुष्पकर्म के अनेक भागों को अपना निवास बनाते हैं। इस क्रिया में पुष्प से पुष्प पर घूमने में से अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर प्राप्त परागकणों को वर्तिकाग्रों तक पहुँचा देते हैं। कीट परागण के उदाहरण। पर परागित पुष्पों में सर्वाधिक पुष्प कीट परागित ही होते हैं, उदाहरण सरसों, गुलाब, अन्य कुल जैसे यूफोर्बिया, बेगोनविलिया। ओके, सेल्विया में कीट परागण, मधुस्कम में कीट परागण। जंतु का परागण की विधि तथा अनुकूलन। ओके, अन्य जंतुओं द्वारा परागण, जैसे उपयुक्त जंतुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य जंतुओं द्वारा परागण की सहायता प्रदान की जाती है, उदाहरण के लिए गिलहरी, गुलमोहर, नहसुन, हाथी आदि अपनी सहायता करते हैं। समझे जाते हैं, गलतियों के विषय में समझा जाता है कि इसके बड़े बड़े पुष्पों
मक्खियाँ वर्षा के जल की सहायता से परागण करती हैं। ओके, कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अनेक पौधों में कृत्रिम परागण किया जाता है। पादप प्रजनन के लिए अनेक स्थानों पर पादप प्रजनन प्रजनक पर परागण करते हैं। अधिक पैदावार पौधों की अधिक जनन शक्ति, रोग निरोधक जातियां उत्पन्न करने तथा स्वस्थ बीज आदि उत्पन्न करने के लिए आजकल विश्व भर में अनेकानेक स्थानों पर उन्नतशील प्रजातियां उत्पन्न की जाती हैं, जिस कारण से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है। जल परागण, अब जल परागण के बारे में जानेंगे। जल में उगने वाले पौधों में अनेक बार पुष्प जल के ऊपर खिले रहते हैं और उनमें अन्य पौधों की तरह कीटों या अन्य साधनों द्वारा परागण हो जाता है, किंतु अनेक जलीय पौधों में पुष्प में परागण की क्रिया के लिए जल को साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इन पौधों में जिनमें जल परागण होता है, बहुधा पुष्प जल के अंदर जिस तल पर रहते हैं परागण करने अपने घनत्व के कारण उसी तल पर तैरते रहते हैं तथा वर्तिकाग्रों के संपर्क में आकर परागण कर देते हैं। जैसे है हाइड्रिला, एलोडिया, सिरेटोफिलम, नयाज। ओके फ्रेंड, पर परागण के लिए उपयुक्तियां क्या हैं? जैसे कि प्रकृति में स्व परागण की अपेक्षा पर परागण को वरीयता दी जाती है। साधन या कर्मक कोई भी हो, पुष्पों में पर परागण ही हो सके, इसके लिए अनेक अनुकूलन मिलते हैं। ये उपयुक्तियाँ निम्नलिखित होती हैं, जैसे कि एकलिंगता। प्रकृति में अनेक पुष्प एकलिंगी ही होते हैं, तो उनमें स्व परागण का प्राय प्रश्न ही नहीं उठता तथा पर परागण अस्वभावी हो जाता है। ओके, एक लिंगाशयी पौधे में तो पर परागण के अतिरिक्त और किसी क्रिया का कोई विकल्प ही नहीं होता। उदाहरण पपीता, ताड़ आदि में स्वयंबद्धता। कुछ पौधों में यदि पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वे अंकुरित नहीं होते। कभी कभी तो ऐसा होने पर पुष्प ही सूख जाता है। कभी कभी तो उस विभेद के अन्य पौधों में परागण आने पर ही यही लक्षण प्रकट करता है। जैसे झुमकलता, आर्किडस, आलू, तमाकू आदि भी। हार्कोगेमी, अनेक पुष्पों में वर्तिकाग्र के वायतल तथा पराग कोशों की स्थिति इस प्रकार होती है कि उसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच ही नहीं सकते, तो इसमें भी पर परागण ही होता है। विषम रूपता, अनेक पौधों में पुष्पों का स्वरूप दो तीन या अधिक प्रकार का होता है, जिसे इनमें द्विरूपता, त्रिरूपता आदि प्रकार के विषम रूपता पाई जाती है। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोष तथा वर्तिकाग्र अलग अलग तलों पर लगे रहते हैं। इनमें सामान्यतः वर्तिकाएं अलग अलग लंबाई की होती है, अतः इनको विषम वर्तिका तो कहते हैं। ओके फ्रेंड, अब स्व परागण एवं पर परागण के लाभ एवं हानियां। लाभ के बारे में जानेंगे। स्व परागण के लाभ, स्व परागण निश्चित तथा अस्वयंभावी होता है क्योंकि इसके लिए किसी बाह्य माध्यम या कर्म की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है संतति में जाति के गुण वहीं रहते हैं क्योंकि स्व परागण होता है ना, इसलिए उसी पुष्प के होते हैं, तो संतति में जाति के गुण वहीं रहते हैं, इस प्रकार जाति की शुद्धता बनी रहती है। तीसरा, क्योंकि इसमें परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते, अतः अधिक परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। ओके, और स्व परागण से हानियाँ भी हैं, जैसे स्व परागण से विभिन्नताएं सामान्यतः नहीं होती या कम पाई जाती हैं। दूसरा, लगातार स्व परागण होते रहने से उत्पन्न बीज संख्या में कम, हल्के, छोटे तथा अस्वस्थ हो सकते हैं। तीसरा है, स्व परागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे दुर्बल तथा अस्वस्थ होते हैं। पर परागण के लाभ, स्व परागण की अपेक्षा पर परागण की उपयुक्त पर परागण ही उपयुक्त होता है। दूसरा है, स्व परागण से बनने वाले बीज हल्के, छोटे व दुर्बल होते हैं, इससे उनसे उत्पन्न पौधे भी दुर्बल होते हैं। ओके, दूसरा है, स्व परागण से पौधों में विभिन्नताएं नहीं आ पाती, अतः नवीन जातियों के उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न होती है। ओके,
पर परागण से हानियाँ पर परागण से हानियाँ दूसरे पुष्प तथा उनके परागकणों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है था या अति अनिश्चित होता है। दूसरा, किसी न किसी साधन या कर्मक पर निर्भर करना होता है जिसके अभाव में परागण असफल भी हो सकता है और कुछ पुष्प बिना परागण के भी रह सकते हैं। तीसरा है, परिमाप, रंग, चमक, शहद, आकार आदि उत्पन्न करने में अनेक शक्तियों का अपव्यय करना पड़ता है। चौथा, पराग कणों का भी काफ़ी अपव्यय होता है वायु तथा जल परागण में, तो यह हानि और भी बढ़ जाती है। पांचवा है, जाति के लक्षणों की शुद्धता हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर लें और जिससे आपको अगला वीडियो आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगला वीडियो हम फर्टिलाइजेशन के बारे में लेके आएंगे, उसकी क्रियाविधि और महत्व के बारे में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।